इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने जारी की कॉलेजों की लिस्ट, नामांकन के लिए नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट जारी की गई। सूची में फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेज संचालकों के नाम, रिश्वत कांड में पकड़े गए कॉलेज संचालकों के भी नाम है। तो वहीं 20 मई को जारी की गई लिस्ट में कुल 132 कॉलेज शामिल हैं। लिस्ट में रिश्वत देने वाले प्रिंसिपल के कॉलेजों के भी नाम शामिल किए गए हैं। नामांकन के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आनंद फानंद में नामांकन के लिए जारी की गई है लिस्ट। भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी के बाद ये लिस्ट जारी की गई। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की छापेमारी और भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने नामांकन के लिए कॉलेजों की लिस्ट जारी कर दी है। और इस लिस्ट में जिन कॉलेजों के संचालक फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम भी नामांकन में शामिल किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें वो कॉलेज भी शामिल हैं जिनके प्रिंसिपल रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़े गए। 20 मई 2024 को जारी की गई लिस्ट में कुल 132 कॉलेज के नाम शामिल किए गए हैं। और इतना ही नहीं, प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन भी सोमवार को जारी की गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के लिस्ट यहां पर इकट्ठा की जा रही है नर्सिंग फर्जीवाड़ी से जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने लिस्ट जारी की है, जिसमें नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है, जहां पर फर्जीवाड़ा होता रहा है, प्रिंसिपल ने रिश्वत ली है। इन तमाम लोगों की यहां पर लिस्ट जारी की गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अब इसके बाद एक के बाद एक नई नई परतें खुलती जा रही है। फिलहाल में अपडेट ये कि यहां पर लिस्ट जारी की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर गजब का मामला चल रहा है। यहाँ पर जिस कदर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अब देखने वाली बात हो गई है। क्योंकि सीबीआई की जांच पर अब किसी को यहाँ पर स्टूडेंट्स को भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने अनसूटेबल कॉलेजेस को सूटेबल बता दिया रिश्वत लेकर, यहाँ पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये सिर्फ 2 से 3 कॉलेजेस का मामला नहीं है, लेकिन कई बड़ी संख्या में कॉलेजेस का मामला है। लेकिन नई बात इसमें निकल कर सामने ये आ रही है कि जो कॉलेजेस के मालिक, जो कॉलेजेस के संचालक अभी हाल ही में इस पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ाए हैं, रिश्वतखोरी के मामले में, रिश्वत देने के मामले में, और जो रिश्वतखोरी कर रहे थे उनसे संपर्क के मामले में, उन कॉलेजेस को जो अभी नई एनरोलमेंट लिस्ट जारी हुई है, यानी कि जो ऐसे कॉलेजेस जो कि सूटेबल हैं, जहां पर जाके स्टूडेंट्स अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, इन कॉलेजेस की जो लिस्ट जारी हुई है, अभी 20 तारीख को ही लिस्ट जारी की गई है। इनमें उन कॉलेजेस के नाम हैं जिनके संचालक, जिनके कुलपति, जिनके अगर बात की जाए जिनके जो जो चेयरमैन हैं, वो सभी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल समेत कई ऐसे कॉलेजेस थे जो कि जिनके जो संचालक थे जो कि रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ाए हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, जयपुर तक इसके तार जुड़े हुए हैं। और जो जो भी इस पूरे मामले में जो है पकड़ाए गए हैं, जिन्होंने रिश्वत दी है, वही कॉलेजेस के नाम, ये जो नई एनरोलमेंट लिस्ट जारी हुई है 20 तारीख को, इस एनरोलमेंट लिस्ट में उनके नाम है। यानी कि आप सोचिए कि जो कॉलेजेस फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिनके पास शायद बिल्डिंग तक नहीं होगी, जो शायद एक कमरे के अंदर चल रहे होंगे और शायद सिर्फ कागजों पर चल रहे होंगे, ऐसे कॉलेजेस रिश्वत दे चुके हैं और अभी जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते थे जाकर, इन कॉलेजेस के भी यहां पर जो है वो नाम जारी किए गए हैं। जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि जो नई एनरोलमेंट लिस्ट जारी हुई है जिसमें कॉलेजेस को सूटेबल करार दिया है, जिसमें जाकर स्टूडेंट्स एडमिशन करवा सकते थे, इनमें वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने रिश्वत दी है और जाहिर तौर पर उनके नाम भी है, उनके संचालक गिरफ्तार हुए हैं, उनके संचालक को यहां पर आरोपी माना गया है, उन सभी को दिल्ली सीबीआई पूछताछ के लिए लेकर गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे कॉलेजेस जिनको बिना किसी चीज के सूटेबल करार दिया था, वो अभी भी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की एनरोलमेंट लिस्ट में है, भले ही वो कागजी हो, वो भले ही हवा हवाई बातें यहां पर की जा रही हो, लेकिन ऐसे कॉलेज जिनका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तक एनरोलमेंट लिस्ट में है और उनके संचालक भले ही दिल्ली में गिरफ्तार होकर बैठे हुए हों, उन्होंने रिश्वत दी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के कागजों में, इनके रजिस्ट्रेशन काउंसिल के कागजों में वो कॉलेज जो है सूटेबल करार दिए गए हैं, जो कि कहीं से कहीं तक सूटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर जांच की जाएगी तो उसमें और भी बड़ी चीजें निकलकर सामने आएंगी। बिल्कुल, अब जांच का इंतजार है और जांच के साथ ही इस पर भी इंतजार है कि वही जो कॉलेज है जिन्हें सूटेबल करार दिया गया है, वो आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। अमृतांशी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे।